जनपद में बीते दो दिनों से बर्फीले हवा, ठंड व शीतलहर से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों को ठंड से राहत पाने के लिए अलाव की व्यवस्था कर रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर 47 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में नगर निगम के केयरटेकर रामदरस सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो भी निर्देश आते हैं उसका पालन किया जाता है और जैसे हम लोगों को सूचनाएँ मिलती रहती हैं और डिमांड रहती है, हम लोग अलाव के पॉइंट को बढ़ाते रहते हैं। प्रत्येक अलाव पर हम लोग 40 किलोग्राम लकड़ी गिराते हैं। अलाव पॉइंट के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यह लकड़ी सौंप दिया जाता है और वह वहां पर अलाव जलाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 50 से 60 कुंटल लकड़ी 110 जगहों पर जलाया जाता है। इसके साथ ही अधिकारी द्वारा इमरजेंसी में जो भी निर्देश होता है वहाँ पर पहुँचाया जाता है और लोग इकट्ठा होकर ठंड से बचने के लिए आग सेकते हैं। शहर के प्रमुख स्थान पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, रैन बसेरा आदि जगहों पर लकड़ियां गिराई जाती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के केयरटेकर रामदरस सिंह ने कहा, रामदरस सिंह मेट पद पर हैं, स्टोर मेट। जो भी निर्देश आते हैं नगर निगम से उस निर्देश का अच्छा सा पालन किया जाता है और रोज़ाना अलाव की संख्या घट बढ़ रही है। कुछ इमरजेंसी के लिए आ जा रहा है तो एक गाड़ी हमारी इमरजेंसी में रखे हुए। कितने कुंटल प्रतिदिन जाते हैं आप? अब मान के चलिए कम से कम एक दिन में हमारे 50-60 कुंटल लकड़ी रोजाना जा रहा है। आप कितने जगह पर जाता है पूरे शहर में? 100, 110, ये तो लिस्ट के हिसाब से जा रहा है। 100 से कम भी हो जा रहा है, 100 से ऊपर भी जा रहा है। साथ में जहाँ अधिकारी वर्ग का निर्देश हो जाता है इमरजेंसी में वहाँ जाता है। कितना किलो जाता होगा? 40 किलो एक गट्ठर बन के जाता है। और कहीं से भी मांगे आती हैं यहाँ पे? हाँ, DM के वहाँ से आ जाता है, कमिश्नर के वहाँ से आदेश आ जाता है, SSP है। लकड़ी लेते कहाँ पे आप लोग? लकड़ी टेंडर हुआ था, ठेकेदार लकड़ी की सप्लाई दे रहे हैं। कितना रुपए प्रति आपको देते हैं? अब वो तो नहीं पता है हमको कि क्या रेट की सप्लाई आ रही है, वो तो यही बता सकते हैं।